हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो आज के वीडियो में हम रैपिड रिवीजन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का फ्रॉम ए वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फ्रॉम फुल फॉर्म। ओके, सो कुछ फुल फॉर्म जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो वो हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द NDA? NDA मतलब कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन। देन ANDA मतलब कि एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। IND मतलब इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। देन पूछा जाता है रिगार्डिंग द DMF। तो DMF क्या है? DMF इट मीन्स ड्रग मास्टर फाइल। देन ASMF का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इट मीन्स एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल। देन MAA इट मीन्स मार्केटिंग ऑथोराइजेशन एप्लीकेशन। उसके बाद पूछा जाता है रिगार्डिंग CEP मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ सुटेबिलिटी टू द मोनोग्राफ्स टू ऑफ द यूरोपियन फार्माकोपिया। आगे देखते हैं हम ICH। ICH मतलब कि द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ ए टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज। सो बहुत ही IMP है ICH का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। आफ्टर दैट है CTD मतलब कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फॉर द ह्यूमन यूज। ओके, सो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। AP मतलब एप्लीकेंट्स पार्ट, RP मतलब रिस्ट्रिक्टेड पार्ट, OP मतलब कि ओपन पार्ट, CP मतलब कि क्लोज पार्ट, NME मतलब कि न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटी, NCE मतलब न्यू केमिकल एंटिटी, SMPC समरी ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टराइजेशन, PL मतलब कि पैकेजिंग लिफलेट, RMS रेफरेंस मेंबर स्टेट। ओके, उसके बाद जो IMP है वो पूछा जाता है वो है SUPAC जिसको हम सुपाक कहते हैं। इट मीन्स स्केलअप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। आफ्टर दैट CGMP मतलब करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। कई बार क्या लिखा होता है कि सी का ये लोग मीनिंग देते हैं आपको साइक्लिक। ओके, बट इट इज नॉट द साइक्लिक, इट इज ए करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। देन GCP मतलब कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड GLP मतलब गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। सो इतने फुल फॉर्म्स आपको याद रखना जरूरी है जिसमें से बहुत बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट है वो है वेल नोन ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका हमने एक डिटेल में लेक्चर भी बनाया था आपके लिए, बट अभी करते हैं हम बाय यूजिंग दिस टेबल रैपिड रिवीजन। सो US की कौन सी है? तो आप सभी को बताएं कि USFDA इज द रेगुलेटरी एजेंसी एंड रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आफ्टर दैट जो UK जो कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, उसकी है MHRA। MHRA का फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है कि मेडिसिंस एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, MHRA। आफ्टर दैट अबाउट द यूरोपियन यूनियन, तो इसके लिए है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA। यूरोपियन यूनियन के लिए यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन EDQMB अवेलेबल है। देन ऑस्ट्रेलिया के लिए है थेरापिटिक एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में TGA। देन फॉर कैनेडा इट इज़ अ थेरापेटिक प्रोडक्ट डायरेक्टरेट TDP इन हेल्थ प्रोडक्ट एंड फूड ब्रांच HPFB ऑफ हेल्थ कैनेडा। देन जापान की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है PMDA। PMDA मतलब फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी। फ्रांस के लिए भी है AFSSAPS, ओके, जिसको कहा जाता है कि फ्रेंच एजेंसी फॉर द सेफ्टी ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट्स। जर्मनी के लिए है BFARM मतलब कि फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस। ब्राज़ील के लिए जो है वो है अनविसा, ANVIS, जिसको अनविसा कहा जाता है, जिसका ट्रांसलेशन हम करेंगे इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द नेशनल हेल्थ सर्वेलेंस एजेंसी। देन जो इंडिया है हमारा, उसकी है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DGCI, हु हेड्स सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं CDSCO, CDSCO। ओके, सो CDSCO इज द ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ अवर कंट्री इंडिया। स्विट्जरलैंड के लिए देखिए तो स्विस एजेंसी फॉर थेरापेटिक प्रोडक्ट्स, एंड सिंगापुर के लिए है हेल्थ साइंस
authority. So these are about the important full form NA regulatory bodies. देन ये एक ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ईयर एंड एक्ट. ओके, सो 1970 के अंदर पास हुआ इंडियन पेटेंट एक्ट, देन 1990 पॉइजन एक्ट, 1948 फार्मेसी एक्ट, 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1930 दिट इज ए डेंजरस ड्रग एक्ट, 1857 ओपियम एक्ट, 1954 ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, देन 1971 MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1989 फर्स्ट ICH इंडियन फार्माकोपिया, 1955 फर्स्ट एडिशन ऑफ IP, 1966 सेकेंड एडिशन ऑफ IP, उसके बाद 1985 में थर्ड एडिशन आया, 1996 में फोर्थ एडिशन, 2007 में फिफ्थ, 2007 के अंदर फिफ्थ, 2010 के अंदर सिक्स एंड 2014 के अंदर सेवन्थ एडिशन. अभी 2018 के अंदर लेटेस्ट एडिशन जो अवेलेबल है वो है सेवन्थ एडिशन ऑफ ए IP. देन ये एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि टेक्निक्स फॉर ए नैनो पार्टिकल प्रिपरेशंस. तो इसके लिए डिसॉल्वेशन, डीनेचुरेशन, इमल्सन एंड इंटरफेसियल पॉलीमराइजेशन जैसी मेथड यूज होती है, इमल्सिफिकेशन एंड सॉल्टिंग आउट. देन जो स्ट्रेंथ है HCl एज पर IP इट इज ए 36 एंड H2SO4 फॉर इट इज ए 12 नॉर्मल. देन IMP कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्प. ओके, कि जिसके अंदर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ए नटमेग. तो नटमेग का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है एराइल, जिसको हम कहते हैं ARIL. देन जो स्ट्रोफेंथस है उसके अंदर प्रेजेंट है अरिस्टा, ARISTA अरिस्टा. देन कार्डेमम के लिए एरेलॉड, स्कोल्चिकम के लिए स्ट्रोफियोल एंड कैस्टर के लिए कैरंकल. तो ये जो पांच है इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसका आपको रिवीजन करना और ये आपके कॉपी के अंदर नोट डाउन करना बहुत ही जरूरी है. ओके, मस्ट इसको एक अच्छे से आप हाईलाइट करके ये पांच पॉइंट्स जो है वो खास आपको नोट डाउन करने हैं अबाउट द नटमेग. इट इज एराइल, स्ट्रोफेंथस अरिस्टा, कार्डिमम के लिए एरिलोड, कोल्चिकम के लिए स्ट्रोफियोल एंड कैस्टर के लिए कैरंकल. देन ये पूछा जाता है रिगार्डिंग द वाइट फील्ड ऑइंटमेंट. तो जो वाइट फील्ड ऑइंटमेंट है उसके अंदर 6% बेंजोइक एसिड है एंड 3% सैलिसिलिक एसिड. इट इज यूज एज ए कैराटोलाइटिक. देन जो कुछ स्मार्ट पॉलीमर है, ओके स्मार्ट पॉलीमर, सो पॉलीलैक्टिक एसिड एंड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, देन पॉलीलैक्टिक कोग्लाइकोलाइड, पॉली डाइलैक्टिक टेक्टाइड को कैप्रोलैक्टोन एंड एन आइसोप्रोपाइल एक्राइलेमाइड. ओके, सो ये जो कहा जाता है स्मार्ट पॉलीमर या फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी कहा जाता है, कि PLA पॉलीलैक्टिक एसिड ने PGA पॉली ग्लाइकोलिक एसिड. ओके, सो दिस इज अबाउट देन डिफरेंस बिटवीन आल्डोन कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शंस. तो इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव ए अल्फा प्रोटॉन देन आल्डोल कंडेंसेशन अकर्स, इफ नॉट देन कैनिजारो रिएक्शन. सो ये जो डिफरेंस आपको याद रखना है बिटवीन आल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन. देन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका हम रिविजन कर लेते हैं, कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय IR एंड NMR. देन फ्री रेडिकल्स आर आइडेंटिफाई ESRS इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस. देन ट्रिप्स का जो फुल फॉर्म है कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम कहते हैं ट्रिप्स. ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, विपो मतलब कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. देन सेल्विन ऑफ रिएजेंट कंटेन्स द रिसोर्सिनॉल प्लस ग्लेशियल एसेटिक एसिड. देन ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ल्यूकास रिएजेंट इट इज HCl प्लस ZnCl2. देन इम्स्टिस, ओके जो इम्स्टिस है वो डिटेक्शन के लिए यूज होती है फॉर कार्सिनोजेनिसिटी. देन नाइट्रोसेल्युलोज इज यूज एज ए बेस इन ऑल नेल लेकर्स. न्यूक्लियोसोम कंटेन द DNA विथ हिस्टोन प्रोटीन इन रेशियो 30:1. ओके,
देन पल्स फ्लो इज द डिसएडवांटेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इन ए एचपीएलसी एंड ग्लोथेरिया कॉन्सेंट्रेटेड इज ए मिथाइल सैलिसाइलेट. देन न्यूमैन्स टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए केसिन. तो पूछा जा सकता है कि केसिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी टेस्ट परफॉर्म की जाती है. इट इज ए न्यूमैन्स टेस्ट.